नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रदेश भर में खाली पड़े हैं महत्वपूर्ण पद और इसी संबंधित ये वीडियो है, तो वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, प्रदेश में 1,28,70 पद खाली पड़े हुए हैं और लाखों बेरोजगारों के सपने जो हैं वो टूट रहे हैं। तो देखिए कितने पोस्ट खाली हैं, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए आज के न्यूज़पेपर में पोस्ट जो हैं यहाँ पर दी गई हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी पोस्ट जो हैं वो खाली हुई हैं और इन पर अभी भी भर्ती प्रक्रिया जो है कुछ अटकी हुई हैं और कुछ अभी जो है विभाग को निकालना बाकी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य के यहाँ पर जो स्वीकृत पद हैं वो यहाँ देख सकते हैं 11,369 हैं, लेकिन इसमें से कार्यरत हैं 9,403 और रिक्त पद जो हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,966 पद प्रधानाचार्य के रिक्त हैं। प्रधानाध्यापक के 1,021 पद रिक्त हैं। व्याख्याता के 12,066 पद रिक्त हैं। वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड के 13,927 जो पद हैं वो खाली हैं। और तृतीय श्रेणी यानी थर्ड ग्रेड अध्यापक लेवल प्रथम के 20,505 पद और लेवल फर्स्ट के 23,348 पद खाली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रीट भर्ती में जो 31,000 पदों पर भर्ती निकली है उसके बाद भी पद खाली रह जाएंगे, इसलिए पोस्ट निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी पद जो हैं अभी भी खाली हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखिए प्रबोधक के पद जो हैं वो 19 खाली हुए हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देखते हैं कि शारीरिक शिक्षक श्रेणी प्रथम के 218, शारीरिक शिक्षक श्रेणी द्वितीय के 1,042, शारीरिक शिक्षक श्रेणी थर्ड के 2,836 पद खाली हैं। कंप्यूटर लैब इंचार्ज के 126, वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 263, प्रयोगशाला सहायक के 1,053, प्रयोगशाला अध्यक्ष श्रेणी प्रथम के 40, अध्यक्ष श्रेणी द्वितीय के 804 और पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड के जो है 1,347 पद खाली हैं। और यहाँ पर इस तरह से आप देखते हैं बाकी जो पोस्ट हैं काफ़ी संख्या में खाली हैं। और इस तरह से टोटल हम बात करें तो 1,28,070 जो पोस्ट हैं वो यहाँ खाली पड़ी हुई हैं। तो इन पर सरकार को जल्द से जल्द भर्ती निकालनी चाहिए और बेरोजगारों को मौका देना चाहिए। आप यहाँ पर फैक्ट फाइल देख सकते हैं कि 1,00,000 से ज़्यादा युवा प्रतिवर्ष एसटीसी और बीएड जो हैं वो डिग्री लेकर बन जाते हैं नए प्रतियोगी। और यहाँ पर आप देखते हैं 13,00,000 डिग्रीधारी रीट के जरिए शिक्षक बनने का सपना सजाए हुए हैं। 2017 के सत्र में रीट का आयोजन हुआ था आखिरी बार और 1 से 8वीं तक पढ़ाने के लिए रीट के माध्यम से शिक्षकों की होती है भर्ती। तो यहाँ पर काफ़ी जो पोस्ट खाली हैं और 13,00,000 ने आवेदन किया है, इसके आप यहाँ देख सकते हैं। और वैसे भी पोस्ट काफ़ी खाली है, मैं दिखा चुका हूँ आपको। और ऐसे में देखिए देखने वाली बात ये होगी कि कब जो सरकार है वो इन सभी पदों पर भर्ती निकालती है। तो निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड के लिए तो घोषणा की हुई है कि जल्द भर्ती आएंगी, लेकिन काफ़ी पोस्ट खाली हैं। 5,000 पदों पर जो घोषणा हुई है, इसके अलावा आप पद बढ़ाकर ये भर्ती की जानी चाहिए। और सेकंड ग्रेड की पोस्ट हैं वो भी काफ़ी खाली हुई है। तो यहाँ देखते हैं आप 13,927 सेकंड ग्रेड की पोस्ट हैं, तो इन पर भी जल्द जो है भर्ती निकाली जाएगी। तो आप अपनी तैयारियाँ जारी रखें, निश्चित तौर पर सरकार जो है इन पर अपनी रूपरेखा बना रही है और निश्चित तौर पर इन पर जो भर्ती का आयोजन शीघ्र ही किया जाएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो ये थी पूरी खबर। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।